मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हर अपडेट हम आपको बता रहे हैं। और हाल ही में जो ये तस्वीर जो सामने आई है, वो ये तस्वीर जहां मुख्यमंत्री की एंजियोप्लास्टी हो चुकी है और उनकी पत्नी, उनके बेटे वैभव गहलोत और सुनीता गहलोत उनके साथ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सीसीयू में अब यहां पे रखा गया है, क्योंकि पहले एंजियोप्लास्टी चल रही थी, उसके बाद उनको सीसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। और 6 से 8 घंटे उनको ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, 6 से 8 घंटे देखा जाएगा कि किसी तरह की कोई दिक्कत इसके बाद भी उनको ना हो। उसके बाद ये फैसला लिया जा सकता है कि मुख्यमंत्री को अब 1 दिन 2 दिन कितने दिन हॉस्पिटल में रखना है, उसके बाद घर जाने की छुट्टी दे दी जाएगी, इजाज़त दे दी जाएगी। और हमारे साथ सीपी जोशी जुड़ गए हैं, विधानसभा अध्यक्ष। सीपी जोशी जी, मुख्यमंत्री की तबीयत नासाज हुई, हर कोई चिंता में आ गया, हालांकि अब तस्वीर आ गई है सामने, तो थोड़ी राहत है। निश्चित तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य ठीक नहीं हो तो स्वाभाविक है सारा प्रदेश चिंतित होता है। और जो जैसा आप बता रहे हैं कि सब चीज ठीक है तो अच्छा है, प्रार्थना करते हैं जल्दी स्वस्थ रहे, अपना काम संभाले और जनता की समझ लो। जी जोशी जी, क्या आपकी, क्योंकि मुख्यमंत्री से बातचीत होती रही होगी, मिले भी आप होंगे, कभी उन्होंने जिक्र किया आप कोविड के बाद की इस तरह कोई परेशानी आ रही है? मुख्यमंत्री जी से कोविड के बाद चर्चा हुई और कोविड के पोस्ट कोविड जो इम्पैक्ट थे उसे जिस तरह से दो डोज लगाने के बाद भी उनको जो कोविड हो गया था उसके जो कोविड के आफ्टर इफेक्ट है वो चीजें उनको आइडेंटिफाई और वो कंसर्न थे और बराबर डॉक्टर से राय ले रहे थे। आई थिंक दिस इज आल्सो इम्पैक्ट ऑफ द पोस्ट कोविड थिंग। जी सर, जी आप ये सब चिंता का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पोस्ट कोविड में तकलीफ हुई है। देश में जितने भी कोविड के हमारे पेशेंट है पोस्ट कोविड में जो सफर कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो सब डॉक्टर्स को कॉन्टेक्ट करेंगे और स्वस्थ रहने की कोशिश करेंगे। जी ऐसे आपका अभी SMS हॉस्पिटल जाने का कोई कार्यक्रम, क्योंकि हालांकि अभी वो ठीक हैं और ऑब्जर्वेशन में 6 से 8 घंटे रखना है ये कहा जा रहा है। सुबह मुख्यमंत्री जी ऑफिस से बात की थी जी और मुझे उनके स्वास्थ्य के बारे में उन्होंने जानकारी ली थी, मुझे प्रसन्नता है कि वो स्वस्थ है और जैसे ही डॉक्टर एलो करेंगे मिलूंगा उनसे। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया सीपी जोशी जी आपका हमसे जुड़ने के लिए।